महात्मा अध्याय 11 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दर्भ पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीं समालां रंध्रान वेणोर्धरसुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यं सपदरमणं प्रावीशत गीति कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा था तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देख करके सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठ करके बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्य कपिशु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय दे करके देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर के राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता अधम तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है अपना हित चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ अन्यथा मैं तेरे
राज्य को विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत डर गया, विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने जब उसके सब रत्न हरण कर लिए, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात को सुनकर के वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो समस्त दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखक ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवताओं के देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि ला करके उनको जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवताएं किस प्रकार से जीवित हो जाते हैं और जिलाने वाली उनको जिंदा करने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा करने की बात कह दी। यह सुनकर के जलंधर कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी से कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर के जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़ करके द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी, क्योंकि जलंधर कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो कोई दैत्य या कोई देवता नहीं था, उसके अंदर तो भगवान शंकर का ही पूरा पूरा अंश था। इसी कारण से उसने पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य ने द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब जीत नहीं पाओगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुनकर के देवता युद्ध में जय की आशा त्याग करके इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय होकर के अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में अपनी शरण ले ली। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म अध्याय 11 की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तारकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम 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 रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।